हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। एंड टुडे आई कम बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज एजुकेशन सिस्टम्स। सो हम सब एजुकेशन सिस्टम से वाकिफ हैं और जानते भी हैं। चलिए हम शॉर्ट में पहले देखते हैं एजुकेशन सिस्टम का उत्पत्ति कहाँ से हुआ और ये कब एजुकेशन सिस्टम हम आया। सो यदि हम देखें बहुत समय से पहले जाए तो पुराने समय में राजतंत्र यानी किंगडम सिस्टम हुआ करता था। तो यदि कोई राजा है तो इसका भी बेटा राजा बनता था। और ऐसे ही इंडिया में भी बहुत सारे जो कास्ट सिस्टम के भी आधार पर, जैसे एक मोची वाला था तो वो अपने बेटे को मोची का काम सिखाता था, जिससे कि वो मोची बन जाता था। और जो राजा था वो अपने बेटे को लड़ाई करना और तलवार चलाना सिखाता था। और इसी प्रकार से एक लोहार जो था वो अपने बेटे को लोहा बनाना सिखाता था, और जो सोनार था वो अपने बेटे को सोना का काम सिखाता था। और इसी प्रकार से ये और एजुकेशन सिस्टम अस्तित्व में आया। और जो भी उसके कल्चर थे, ट्रेडिशन थे, वो अपने बच्चों को सिखाया ताकि वह उसको कैरी करके आगे ले जाएं। लेकिन यदि हम देखें दोस्तों तो टेक्नोलॉजी और जो आज का जो समय है काफ़ी एडवांस और काफ़ी फास्ट से सब कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वह धीरे धीरे यूजलेस होते जा रहा है और किसी और वह एक ऑब्सोलीटेड हो गया है, ऑब्सोलीटेड हो रहा है, जो कि मतलब हमारे जीवन में किसी काम का नहीं है और बेकार का होते जा रहा है। सो हमें ज़रूरत है कि क्योंकि जो टेक्नोलॉजी कारण जो एजुकेशन सिस्टम है यानी जो शिक्षा जो है उसका विकास बहुत तेज़ी से होते जा रहा है और इतना जल्दी इतना फास्ट हो रहा है कि यदि हम समय के साथ नहीं चले तो बहुत ही वह हम पीछे छूट जाएंगे। सो हमें ज़रूरत है कि जो भी हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा अगर हम देखें तो मतलब क्या, शिक्षा मतलब जो भी हमने पास्ट में चीज़ें हुई है घटना उसके बारे में अपने मन में भरना, मेमोरी में फिट करना। सो ये जो सिस्टम है एजुकेशन, तो पूरी तरह से ये एक नए जो जनरेशन है, नए जनरेशन की क्या नीड्स है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिमांड है, सकता है, उनका लाइफ एक अलग है। जो हम लोग का पास्ट का जो जनरेशन सिस्टर का लाइफ अलग था, सो बिल्कुल फिट नहीं हो सकता है। और नए में इसलिए हमें ज़रूरत है कि जो भी पुराने एजुकेशन सिस्टम है हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन हमें उस एजुकेशन सिस्टम को छोड़कर एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए जो कि फुल्ली क्रांतिकारी हो, साइंटिफिक बेस्ड हो, और जिससे कि हमें लाइफ स्किल के बारे में सिखाया जाए, सर्वाइविंग स्किल, स्पिरिचुअल स्किल, अपने आप को जो भी इमोशन है, फीलिंग है, जो भी हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो होता है उसके बारे में सिखाया जाए, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव किया जाए, कैसे किसी काम को हैंडल किया जाए, कैसे लाइफ को इंजॉय किया जाए, कैसे इनोवेटिव बेस्ड ऑन थिंकिंग इनोवेटिव आइडिया पर बिजनेस स्टार्ट किया जाए। सो हमें ज़रूरत है कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम डेवलप करें जो कि एक पावरफुल हो, बेस्ड ऑन द फ्यूचर ओरिएंटेड हो, ना कि पास्ट के जो भी कचरे हैं पुराने जो पड़ गए हैं। तो हम जो नए लोग हैं यानी न्यू जनरेशन के जो चिल्ड्रेन है, स्टूडेंट, तो क्या ज़रूरत है अपने मन में कचरा और ये आउटडेटेड थिंग बनेगा जो कि कोई यूज नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमें अपने जीवन में ऐसे शिक्षा की क्या ज़रूरत है। इसलिए हमें ऐसे शिक्षा ज़रूरत है, ऐसे शिक्षा को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसे शिक्षा को अपने अंदर इंस्टॉल करना चाहिए, माई फिट करना चाहिए, जो कि अपने सब जो कि हमें जीवन को इंजॉय करने में मदद करे, लाइफ को एक पर्पस दे, लाइफ और अच्छा से हम जी पाए, और फ्यूचर ओरिएंटेड हो, मनी ओरिएंटेड हो, जिसके मदद से अधिक कमा सके। यदि हम देखें अपने भारत में तो बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं, बहुत सारे पीएचडी और डिग्री, बहुत सारे वो अलग अलग कोर्स कर चुके हैं, डिग्री भी ले ले, फिर भी वो जॉब के लिए भटकते हैं, जॉब उनको जल्दी नहीं लगता है। तो ये बहुत सारे कारण है क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन रेदर देन द थ्योरेटिकल, बेस्ड ऑन टू द लाइफ ओरिएंटेड स्किल, बेस्ड ऑन द मनी ओरिएंटेड स्किल, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड इनोवेटिव ओरिएंटेड स्किल्स से
और बेस्ड ऑन व्हाट इज नीड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड क्रिटिकल थिंकिंग. सो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि हमारा एडुकेशन पूरी तरह फ्रेश एंड प्योर हो, एक रिवोल्यूशनरी हो. सो हम ऐसे एडुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं जब तक हम अपने आप को खुद को नहीं इम्पोर्ट करेंगे, क्योंकि जो भी सिस्टम है उसको चेंज करने में समय लगता है. इसलिए हमें खुद से भी पहल करना होगा, इनिशिएटिव अपने आप को खुद से उठकर हमें ये डिसीजन करना होगा कि हमें सेल्फ लर्निंग पर फोकस करना होगा, ना कि जो भी फॉर्मल एडुकेशन है. क्योंकि आज के समय में फॉर्मल एडुकेशन से हम अपने लाइफ को पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे और ना ही सिक्योर करें. इसलिए हमें ज़रूरत है कि अधिक से अधिक जितने फ्यूचर ओरिएंटेड आइडिया हैं, कोर्स हैं, अधिक से अधिक हमें स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, एडुकेशन, फिलोसफिकल, साइंटिफिक थिंकिंग, साइकोलॉजिकल, ऐसे विषय पर फोकस करना चाहिए जिससे कि हमारा हम कुछ कर पाएँ, यानी इनोवेटिव और जो समय के डिमांडिंग है उसके